महाराज जी, आज कुंतेश्वर मंदिर का पुनः भ्रमण किए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? मैं जगतगुरु परमहंस आचार्य श्री धाम अयोध्या से, इसके पहले हमने जो घोषणा किया था 2 अक्टूबर को लेकर के, तो कुंतेश्वर भगवान का हमने आशीर्वाद लिया था और वह कुंतेश्वर भगवान के आशीर्वाद से जहां पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर के कोई चर्चा नहीं करता था, आज पूरे भारत में जन जन में हिंदू राष्ट्र को लेकर के आवाज़ गूंज रही है और इसको लेकर के अगली रणनीति हमारी है कि देशव्यापी जो है एक आंदोलन चलाने जा रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर के जुड़ चुके हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी हो। इस संदर्भ में आज जो है तो एक कुंतेश्वर भगवान का हमने दर्शन किया और विश्व प्रसिद्ध पारिजात का हमने दर्शन किया, लोधेश्वर भगवान का दर्शन किया और पूरा विश्वास है कि कुंतेश्वर भगवान की कृपा से, बाबा महादेव की कृपा से भारत हिंदू राष्ट्र। महाराज जी, आप 2 अक्टूबर को जल समाधि लेने वाले थे और पुलिस प्रशासन ने आपको होम अरेस्ट कर दिया, जल समाधि नहीं लेने दिया हिंदू राष्ट्र को लेकर के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आगे की क्या रणनीति है आपकी? जो हमने घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 तक सेंट्रल गवर्नमेंट भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करती है तो दिन में 12 बजे मैं सरयू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया था। और इसके बाद भी हमारे पास कई प्लान था, लेकिन जितने हिंदूवादी संगठन थे सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी अभी आपने अकेले शुरुआत किया है, अब जितने हिंदूवादी संगठन और 100 करोड़ हिंदू भाई बहन आपके साथ जुड़ गए हैं, इसलिए हिंदुओं की बात मान करके आप जो है तो आगे संघर्ष करिए और हम सब लोग साथ देंगे, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, इसलिए अगली रणनीति है कि देशव्यापी अभियान चलाएंगे इसको लेकर। महाराज जी, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, मंत्री के बेटे ने किसानों पर बेरहमी पूर्वक गाड़ियां चढ़ा दिया है और काफ़ी आक्रोश फैला हुआ है किसान समूह में, इस संबंध में क्या मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए? मैं जगतगुरु परमहंस आचार्य धर्माचार्य की हैसियत से कह रहा हूँ, तेनी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और कोई गाड़ी नहीं चढ़ाया है, वो किसान नहीं, वो खालिस्तानी समर्थक जानलेवा हमला कर दिए तो जान बचाने के चक्कर में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया था और ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये लोग जो है तो 26 जनवरी को वही लोग हैं जो तिरंगे का अपमान कर दिए थे, एक दूसरा झंडा टांग दिए थे, ये वही लोग हैं जो रोड जाम कर देते हैं, ये वास्तव में किसान नहीं है बल्कि शेर की खाल ओढ़े हुए ये सियार लोग, गीदड़ लोग जो है डटे हुए हैं, इनके पीछे कुछ मंडी के बिचौलिए हैं और कुछ राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं जो अपनी सियासी लाभ के लिए गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं। बिल्कुल टेनी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और न्याय की सत्य की विजय होती है, टेनी ने कोई गलत नहीं किया है और जो ये किसान के आड़ में जो लोग जो है तो सियासत कर रहे हैं इनके ऊपर, अब प्रियंका वाड्रा का इसमें क्या रोल है? प्रियंका कोई किसान है क्या? जब 7 नवंबर 1966 को इंदिरा ने पार्लियामेंट के सामने लाखों लोगों को भुनवा दिया था, वो भूल गए क्या कांग्रेसी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करती है, लेकिन किसानों के हित में जो कृषि सुधार का बिल पास हुआ है वो किसानों के हित में है। दरअसल में ये जो कांग्रेस इत्यादि जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, ये भाजपा को बदनाम करने के लिए किसान के आड़ में वास्तव में ये जो है तो ये कुछ जो है तो इसमें आतंकवादियों के एजेंट हैं जिनको फंडिंग मिल रही है, कुछ जो है तो कांग्रेस सपा बसपा के उसमें एजेंट घुसे हुए हैं और कुछ जो है उसमें मंडी के बिचौलिए हैं जिनको लाभ होता था बंद हो गया है। इसलिए मैं तो उसमें चाहता हूँ कि इसकी सख्ती से इसकी जाँच हो और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये बहुत हो गया, ये हद सीमा पार कर चुके हैं। नंगी तलवार लेकर के प्रशासन के ऊपर हमला करना, क्या ये प्रोटेस्ट का नियम है? प्रोटेस्ट होता है अहिंसात्मक, प्रोटेस्ट होता है देश का सम्मान करते हुए, देश की क्षति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र का नुकसान करके प्रशासनिक अधिकारियों पर हमलावर होते हुए ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये हिंसात्मक रवैया, इसमें खालिस्तानी समर्थक है, मेरी मांग है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो।